हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट कॉन्टे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। खासकर उनके लिए ये बात है जो भी महिलाएं जिनकी अभी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे कि ये जो लेडी है ये पढ़ी लिखी बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है और नैरो माइंडेड है। हो सकता है आप इस तरीके से बोले, लेकिन ये एक ज़रूरी बात है जो मुझे लगी कि आप सभी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं ये भी बोल दूँ कि ये जो वीडियो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, ये टोटली मेरे विचार है। मैं किसी के विचार के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार है प्रेगनेंसी को लेकर, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप लोगों में से कोई भी ये लिखता है कि मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा सेकेंड मंथ चल रहा है, या फिर अभी मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, आपका ये टिप फॉलो किया है तो मुझे प्रेगनेंसी आ गई है, मुझे यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत यानी बहुत ज़्यादा खुशी कि चलो मैंने कुछ उनको बताया है और उससे उनको कुछ फ़ायदा हुआ है, ये सुन करना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन आज क्या हुआ, आज मेरी मम्मी का मुझे मॉर्निंग में कॉल आया। और मेरी मम्मी कभी भी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखती है, लेकिन आज पता नहीं कि उन्होंने देखा और उसमें कम्युनिटी टैब उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम कम्युनिटी टैब में जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उनकी प्रेगनेंसी का तुम पिक्चर निकाल के यानी स्क्रीनशॉट लेके उनका जो लिखते हैं कमेंट को, उसको तुम कम्युनिटी टैब में क्यों डालती हो। तो मैंने उनको बोला मम्मी इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि ये टिप फॉलो करने से प्रेगनेंसी आ सकती है। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि कभी भी किसी की भी प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी कंफर्म होता है तो उसका कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। चाहे वो प्रेगनेंसी आपकी तुरंत कंफर्म हुई है या प्रेगनेंसी कंफर्म हो कि 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो गया है, लेकिन आपको ये किसी को नहीं बताना चाहिए। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि ये सही में प्रेगनेंसी जब हमारी कंफर्म होती है तो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद भी दो जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दो ऐसे जो ज़रूरी समय होते हैं वो क्रॉस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला टाइम होता है जो 12 हफ्ते 14 हफ्ते का समय। इस समय बच्चे की हार्ट बीट आती है। प्रेगनेंसी कंफर्म होना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का हार्ट बीट आना। इसके साथ ही साथ एक और ज़रूरी समय होता है, वो होता है 5वां महीना। 5वें महीने में बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन के रेडी हो जाते हैं। जब बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन के रेडी हो जाते हैं तब हमारा जो आधा टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो दोनों टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड में मेरा ऐसा मानना है और जितना मेरी मम्मी ने मुझे समझाया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि सही में हमें ये बात को किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बात जितना हो सके हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास ही रखें। देखिए यूट्यूब में ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, मैं भी बाहर से हूँ आप भी बाहर से हैं। मैं कोई भी किसी के दूसरे के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा, खासकर ये टाइम पीरियड पे कि कोई माँ बन रही है, तो उससे बड़ी खुशखबरी की बात तो कोई दूसरी नहीं होगी। लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा है क्या है ये कोई नहीं जानता है ना। तो अननेसेसरी का हम दूसरों को बताएं और दूसरों का हम पे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आपको प्रेगनेंसी आपका कन्फर्म होने के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए। खासकर जब तक बच्चे का हार्ट बीट नहीं आता है तब तक तो ये बात को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सिर्फ ये बात आप अपने और अपने हस्बैंड के बीच में रखिए। जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है उसके बाद जब हार्ट बीट आ जाती है उसके बाद चाहिए तो आप अपने परिवार में अपने मम्मी पापा अपने सास ससुर को बताइए और बाहर किसी भी व्यक्ति को मत बताइए। इवन आप मुझे भी मत बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मुझे ये पता चलेगा कि हाँ कोई प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं खुद भी जानना चाहूँगी कि आपको प्रेगनेंसी आई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी ईमेल आईडी में बताइए। बाकी ऑनलाइन या फिर यूट्यूब में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ओपनली बिल्कुल मत लिखिए कि हम प्रेग्नेंट है, हमारा ये महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा है, बिल्कुल मत लिखिए। किसी दूसरे का नहीं, मैं मेरा खुद का एग्जांपल बता रही हूँ। जब मुझे प्रेगनेंसी आई थी, मेरा 5th मंथ हो गया था प्रेगनेंसी कंप्लीट करके, उसके बाद मुझे मम्स हो गया था। मम्स होने के कारण से मतलब मैं
अगर वो फिफ्थ मंथ के पहले होता, अगर वो तीसरे या चौथे मंथ में होता, तो शायद मेरा बच्चा मैं कैरी नहीं कर पाती 9 महीने तक, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना सप्रेस रहता है ना ये टाइम पे, कि हमको कौन सा क्या इशू कब क्या आ जाएगा हमें नहीं पता रहता है। तो भगवान की कृपा से ये 5वें महीने के बाद हुआ, तो मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि 5वें महीने के बाद होने के कारण से ही आज मेरा बेबी, मेरा मृत्युंजय मेरे पास है। मुझे पता चला था ना कि मुझे मम्स हुआ है, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था। और जिस शाम को मुझे मम्स एक्सपर्ट फोर्टिस मुलुंड के जो डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन ये लिख के दिया कि हाँ आपके जो होने वाले जो बच्चे हैं उसको कोई परेशानी नहीं है, वो शाम मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे अच्छा शाम है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड ऐसा होता है ना, ये टाइम पीरियड पे हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस हो जाता है। हम बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को हम प्रेगनेंसी में खींच लेते हैं। मम्स होने का एक ही कारण हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान मैं पार्क गई थी, पार्क में जाने के कारण से डॉक्टर ने कहा ये एयरबॉर्न डिसीज है, हवा से फैलता है, उससे आपको हो गया। तो देखिए हवा से ये चीज़ें आ जा रही हैं, है ना। तो बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कमेंट पे मत लिखे। अगर मान लीजिए आपको कोई भी टिप्स अच्छी लगी या आप पे रिजल्ट आया, तो बस आप नीचे लिखिए कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग भी फॉलो करिए, ये आप लोग को भी अच्छा रिजल्ट देगा। इससे लोगों का भी ट्रस्ट बना रहेगा, दूसरे लोग भी उसे फॉलो करेंगे। इसके साथ ही साथ मेरी मम्मी ने मुझे एक छोटा सा लॉजिक भी दिया था। उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो गोद भराई की रस्म होती है वो 7वें महीने में ही क्यों करते हैं, या फिर 9वें महीने में ही क्यों करते हैं, वो 5वें महीने और 3रे महीने में क्यों नहीं करते, जब लोगों को बताना ही है हमें कि हाँ ये हमारी बेटी को प्रेगनेंसी आई है, तो ये पहले क्यों नहीं बता देते। तो उनका वही कहना था कि पहले से अगर हम बताते हैं, पहले से कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। 7वें महीने तक बच्चा पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, अगर डिलीवरी हो भी गई तो भी बच्चा सुरक्षित रह सकता है, उसके चांसेस रहते हैं। 9वें महीने में जब किया जाता है तो 9वें महीने में कई बार डिलीवरी हो जाती है। देखिए आज का टाइम ऐसा है ना कि प्रेगनेंसी आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, 10 में से 5 या 6 लोगों को तो मुश्किल होता ही है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो अगर आपका प्रेगनेंसी आ रहा है ना, तो कंसीव हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ किसी को भी मत बताइए, किसी को मत बताइए। मैं तो बोलूँगी कि हमारे फ्रेंड्स में भी, अदर रिलेटिव्स, किसी को नहीं। ये बात जितना अपनी फैमिली के अंदर रहे उतना अच्छा है। 5वें महीने के बाद भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेट बड़ा हुआ दिखेगा तो लोग खुद ही पूछ लेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी का ऐसी चीज़ होती है ना जिसे जितना छुपा के रखे उतना अच्छा है। डायरेक्टली उनको 9वें महीने में बच्चे के साथ सरप्राइज़ दीजिए, है ना। तो इसके पहले आप किसी को भी अपने प्रेगनेंसी के बारे में ना बताएं। देखिए आप लोग सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप लोगों को मैं सब्सक्राइबर की तरह मानती ही नहीं हूँ, आप लोगों को मैं मेरी फैमिली की तरह मानती हूँ। आप जो लेडीज़ हैं उन्हें मैं मेरी बहन की तरह मानती हूँ, जो मेरे से छोटे हैं उन्हें मैं मेरी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, और जो बड़े हैं उन्हें मैं मेरी बड़ी बहन की तरह समझती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी बहनें हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, खासकर जिनको प्रेगनेंसी अभी तक नहीं आई है, उन्हें भी भगवान की कृपा से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी रुकावट के प्रेगनेंसी आ जानी चाहिए। और जो भी मेरी फ्रेंड्स और मेरी बहन जिनको भी प्रेगनेंसी आ गई है, काफ़ी अच्छे ढंग से उनकी जो डिलीवरी है अच्छे से हो जाए और बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। और जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आप दोनों का फ़ोटो खींच के आप लोग मुझे जीमेल करिएगा, तब फिर मैं आप लोगों का जो पिक्चर रहेगा ना उसको मैं मेरे कम्युनिटी टैब में डालूंगी। तो ये जो चीज़ रहेगी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात रहेगी। बस आप सभी कोई अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खाइए, अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी आप प्रेग्नेंट हैं सीढ़ी वीढ़ी उतरते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाथरूम में भी स्लिप बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। खाना अच्छा खाइए, सब्जियाँ अच्छे से खाइए, और सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके खाइए, और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करिए। ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ये मौसम में आप लोग अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच।